बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। दरअसल कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता बाबाओं का आशीर्वाद लेने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में बागेश्वर बाबा की कथा करवाई और अब कमलनाथ सीहोर के बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं। ये जानकारी खुद कमलनाथ ने ही दी है। उधर कमलनाथ द्वारा कराई जा रही कथा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम ने कमलनाथ को चुनावी भक्त बताते हुए कहा कि जो लोग कभी राम का नाम लेने में परहेज करते थे, उन्हें काल्पनिक मानते थे, आज वो कथा करवा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने तो कांग्रेस को कंफ्यूज बता दिया। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ही ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए अब कथाओं के आयोजन में भी लग गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने तो 15 साल पहले हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई थी, लेकिन मैंने ये चुनाव के लिए नहीं किया, ये सिर्फ बीजेपी करती है। इसके अलावा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट घोषित करने के सवाल पर कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, जिन्हें इशारा करना था हमने कर दिया है। तो तीनों दिन बहुत सफल रहे, 7-8 लोग, सब वीडियो आपने देखे। आम जनता की भावना है, हमने कोई प्रबंध नहीं किया था, किसी कोई गाड़ी नहीं दी थी, किसी को कुछ नहीं कहा था, सब अपने मन मंशा से आए। अभी 1.5-2 महीने पहले प्रदीप मिश्रा जी ने तारीख बताई, तारीख घोषित करी जब वो आ रहे हैं सितंबर में, उनका स्वागत है। मुझे खुशी है कि जो भी आते हैं उनको छिंदवाड़ा को देखने का मौका मिलता है और छिंदवाड़ा के लोग भी खुश होते हैं। इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है, ये मैंने कहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है और जो ये भीड़ जुटती है ये वह आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए ये भीड़ आती है। बहरहाल अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।